गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड, विषय हिंदी व्याकरण, पाठ नंबर 8। पाठ का नाम है क्रिया। आज हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो वे क्रिया कहलाते हैं। यानी जिन शब्दों से किसी कार्य का होना, कोई भी कार्य करना, जैसे चल रहा है, दौड़ रहा है, नहा रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, सो रहा है, ये सारे क्या है? क्रिया है। जैसे देखना, क्रिया ये जो ऊपर लिखा, बगीचे में मधुमक्खियां फूलों के पास उड़ रही हैं, तो इसमें क्रिया क्या हो गया? उड़ना, यानी उड़ रही हैं। पार्क में फुहारे से पानी निकल रहा है, तो निकल रहा है ये इसका क्या हो गया? क्रिया। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, ये क्या हो गया? क्रिया। ठंडी ठंडी हवा बह रही है, इसमें बह रही है ये क्रिया हो गई। पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे हैं, यानी चहचहा रहे हैं, क्या हो गई? क्रिया। माली पौधों को पानी दे रहा है, तो दे रहा है ये क्या हो गया? क्रिया। ऊपर दिए गए सभी वाक्यों में कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि दौड़ रहा है, हंस रहा है, चल रहा है, सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, तो ऐसे इन वाक्यों में भी देखो कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है। जैसे देखना, निकल रहा है, जब मैंने आपको यहाँ पे बताया था निकलने का, उसके बाद खेल रहे हैं, जो ये बताया था यहाँ पे खेल रहे हैं, बह रही है यहाँ पे बताया था, चहचहा रहे हैं यहाँ पे बताया था, पानी दे रहा है यहाँ पे, ये सभी क्या है? क्रियाएं हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो वे क्रिया कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना वो क्या कहलाएगी? क्रिया। आगे है क्रिया का निर्माण, यानी क्रिया का निर्माण किससे हुआ? क्रिया का निर्माण निम्नलिखित तीन प्रकार के शब्दों से होता है, यानी तीन प्रकार के शब्दों से। कौन कौन से? पहला है धातु से, दूसरा संज्ञा से और तीसरा विशेषण से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे धातु से, कि धातु से किस प्रकार इनका निर्माण होता है। धातु क्रिया का मूल रूपी होती है, जैसे पढ़, लिख, गा, उड़ आदि। यानी धातु क्या हुई इनमें? पढ़ना, लिखना, गाना, उड़ना ये आदि क्या है? इनकी मूल रूप क्रिया है। इन मूल रूपों में हम जब ना जोड़ देते हैं तो वे क्रियाएं बन जाती हैं। जैसे भी मैंने बताया ना, पढ़ना, लिखना, तो इनमें क्या है? ये तो क्या है? धातु हो गई, पढ़, लिख, गा और उड़। तो इनमें क्या करेंगे हम? ना जोड़ेंगे, तो ना जोड़ देते ये क्या बन जाएंगी? क्रिया। जैसे लिख था धातु और लिख धातु में ना जोड़ा तो ये क्या बना? लिखना। तो लिखना क्या हो गई? क्रिया। ऐसे ही पढ़ गया था, धातु थी और आगे ना इसके जोड़ने से क्या शब्द बना? पढ़ना। तो ये पढ़ना क्या हो गई? क्रिया आदि। ऐसे ही संज्ञा से, दूसरा है संज्ञा से। संज्ञा शब्दों से भी क्रिया का निर्माण होता है। जैसे देखना, संज्ञा इसमें अकड़, तो अकड़ का क्रिया क्या हो जाएगा? अकड़ना। ऐसे ही संज्ञा में है झगड़ा, और झगड़ा का क्रिया क्या बन जाएगा? झगड़ना। ऐसी संज्ञा है पढ़ाई, और इसकी क्रिया क्या बन जाएगी? पढ़ना। तो ये क्या है? संज्ञा से क्रिया का निर्माण। आगे है तीसरा, विशेषण से। क्रिया का निर्माण विशेषणों से भी होता है। विशेषण शब्द वे होते हैं जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं। ये इनकी परिभाषा दी है यहाँ कोष्टक में, देखिए कि विशेषण शब्द वे होते हैं जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं। विशेषण शब्दों से क्रिया बनाना, देखना, ये विशेषण है गर्म, तो इसकी क्रिया बनेगी गर्माना। आगे विशेषण है टिमटिम, इसकी क्रिया है टिमटिमाना। तो ये क्या हुआ? विशेषण से क्रिया बनाना। आगे है क्रिया की भेद, यानी क्रिया के रूप। क्रिया के दो रूप होते हैं, अक्रम क्रिया तथा सक्रम क्रिया। क्रिया के कितने रूप होते हैं? दो। कौन कौन से? एक तो पहला अक्रम क्रिया और दूसरा सक्रम क्रिया। तो सबसे पहले हम अक्रम क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। अक्रम क्रिया का शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है, अक्रमक यानी अ जोड़ क्रमक।
रहित जोड़ कर्म अर्थात कर्म रहित या कर्म के बिना। अकर्म क्रिया कौन सी है? जो कर्म के बिना होती हो। जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता वे अकर्म क्रियाएं कहलाती। जब भी बताया मैंने कि कर्म के बिना, यानी जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता वे अकर्म क्रियाएं कहलाती। जैसे देखना, पहला सपना दौड़ रही है तो इसमें क्या नहीं है? कर्म नहीं है। आगे है वर्णिका पढ़ रही है। वर्णिका पढ़ तो रही है लेकिन किसको पढ़ रही है? पत्र को पढ़ रही है, किताब पढ़ रही है, तो इसमें क्या है? कर्म नहीं है। सपना दौड़ रही है, दौड़ तो रही है लेकिन कहाँ दौड़ रही है? पार्क में दौड़ रही है, सड़क पर दौड़ रही है, घर में दौड़ रही है, स्कूल में दौड़ रही है, तो वो इसका क्या है? कर्म नहीं है। तो ये क्या हो गई? अकर्मक क्रिया। उपयुक्त अकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में क्या या किसे लगाने से कोई उत्तर नहीं मिलता। नहीं मिला था ना इनके ऊपर। ऐसे वाक्यों में केवल कर्ता और क्रिया का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या है? कर्ता ये वर्णिका हो गई और इसमें सपना, ये तो कर्ता हो गई और क्रिया दौड़ रही और पढ़ रही है क्रिया होगी, लेकिन इसके अंदर क्या नहीं है? कर्म नहीं है। तो ये क्या है? अकर्मक क्रिया। दूसरी हम पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है, सकर्मक स जोड़ कर्मक, सहित जोड़ कर्म अर्थात कर्म सहित। यानी जो कर्म सहित होगी वो क्या होगा? सकर्मक। जैसे देखना, जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म होता है, यानी जिन वाक्यों में क्रिया के साथ क्या होगा? क्रिया तो होगी क्योंकि क्रिया के साथ क्या होगा? कर्म। जैसे उस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म नहीं था, जैसे सपना दौड़ रही, तो सपना करता तो आ गई और क्रिया दौड़ रही लेकिन उसमें कर्म नहीं था। ऐसे ही वर्णिका पढ़ रही तो वर्णिका क्या हो गई? इसमें कर्ता हो गई और दौड़ रही उसका क्या हो गया? क्रिया हो गई लेकिन उसमें कर्म नहीं है। और इसमें क्या है? जिन क्रिया के साथ कर्म होता है वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे देखना, माली पौधों को सींच रहा है। अब जैसे ये आ जाता है कि माली सींच रहा है, लेकिन सींच रहा है किसको? सींच रहा है पौधों को। तो ये पौधों को यहाँ पे क्या आ गया? कर्म। जो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, और माली क्या हो गया? कर्ता, और सींच रहा है ये क्या हो गई? क्रिया। दूसरा है विनय कपड़े धो रहा है। इसमें विनय क्या हो गया? कर्ता हो गया, और धो रहा है वो क्या हो गई? इसकी क्रिया हो गई। लेकिन विनय धो रहा है, किसको धो रहा है? जैसे हाथ भी धो रहा है, कपड़े धो रहा है, कुछ भी धो रहा है, बर्तन धो रहा है, तो उसमें क्या आएगा? यहाँ पे दे रखा है कपड़े, तो ये कपड़े क्या हो गए? इसका कर्म। उपयुक्त दोनों वाक्यों में सकर्मक क्रियाएं हैं। इन वाक्यों में क्रिया के साथ क्या या किसे लगाने पर जो उत्तर मिलता है वही कर्म कहलाता है। जो अभी उत्तर अपन को मिल रहा था, जैसे पौधों को सींच रहा है, कपड़े धो रहा है, तो ये क्या हो गए? इनके कर्म। जैसे प्रश्न है, माली क्या सींच रहा है? जो अभी मैंने कहा था ना कि माली सींच रहा है, लेकिन किसको सींच रहा है? तो किसको सींच रहा था? पौधों को। ऐसे ही विनय धो रहा था, विनय क्या धो रहा है? अभी बताया था ना मैंने यहाँ पे कपड़े, तो ये इसका क्या हो गया? कर्म। तो प्रश्न है विनय क्या धो रहा है, तो विनय क्या धो रहा है? कपड़े। तो ये हुए इनके क्रिया के बारे में।